हेलो एवरीवन, आज इसरो के सबसे इंपॉर्टेंट मिशन में से एक आदित्य मिशन पे बात करते हैं। आप अच्छे से जानते हैं अर्थ पे शायद ही कोई ऐसा जीव हो जिसे सूर्य का जरूरत ना पड़ता हो। जितना सूर्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से सूर्य को अभी तक काफी कम समझा गया है। सोलर वेदर में वेरिएशन होने से सैटेलाइट के ऑर्बिट को चेंज कर सकता है या फिर उसका लाइफ भी कम कर सकता है। स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को डैमेज कर सकता है, यहाँ तक कि पावर ब्लैकआउट तक कर सकता है अर्थ पे। तो आप खुद समझ लो सन को स्टडी करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कई सारे इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगा। उसके अलावा वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कई सारे सोलर मिशन पहले भी भेजा गया है लेकिन अभी तक सूर्य को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। आदित्य L1 स्पेस मिशन इंडिया का पहला सोलर मिशन है जिसे 2022 में इसरो के द्वारा लॉन्च करने का प्लानिंग है। इसका थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। एक्चुअली यह मिशन का कॉन्सेप्ट आया था जनवरी 2008 में एडवाइजरी कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के द्वारा। उस समय इसका नाम आदित्य 1 था जिसमें 400 केजी का एक स्मॉल सैटेलाइट था, उसके साथ एक पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाना था। इस सैटेलाइट का मेन एम था सोलर कोरोना को स्टडी करना। मैंने एक वर्ड अभी यूज किया सोलर कोरोना, इसको पहले हम जान लेते हैं। सोलर कोरोना सन के सबसे मिस्टीरियस चीज में से एक है जिसको लेके साइंटिस्ट हद से ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप देखते होंगे जब सोलर एक्लिप्स होता है तो एक जलता हुआ रिंग बन जाता है, वही सोलर कोरोना है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि इसका टेम्परेचर सन के सरफेस के टेम्परेचर से 150 से 450 गुना ज्यादा होता है। सन का सरफेस टेम्परेचर करीब 5800 केल्विन होता है, वहीं सोलर कोरोना का 10 से 30 लाख केल्विन तक। साइंटिस्ट के लिए इसलिए यह एक बड़ी पहेली है क्योंकि सोलर कोरोना एक लेयर है जो सन के सरफेस से भी दूर है, फिर भी इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां क्यों है। इस पे कई सारे थियरी पहले भी पब्लिश हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं तो आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। अब आते हैं टॉपिक पे। बाद में साइंटिस्ट को यह लगा कि अगर हम इस सैटेलाइट को हेलो ऑर्बिट के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पे प्लेस करते हैं तो हमें इसका काफी फायदा होगा। इसलिए बाद में इस मिशन का नाम चेंज करके आदित्य L1 मिशन किया गया। जुलाई 2019 के डेटा के हिसाब से इस मिशन के लिए 378 करोड़ एलोकेट किया गया है लॉन्च कॉस्ट के अलावा। आदित्य L1 में VELC के अलावा 6 और पेलोड होगा। इसका सैटेलाइट का वजन 1500 केजी के करीब है। इसे PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 इतना एडवांस मिशन इसलिए है क्योंकि यह सूर्य के कोरोनल हीटिंग को स्टडी करेगा, उसके साथ यह सोलर विंड एक्सेलरेशन कोरोनल रिंग के मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टडी करेगा। यह भी जानेगा कि कैसे सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कैसे अफेक्ट करता है, उसके साथ फ्लक्स पार्टिकल और सोलर मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टडी करेगा जिसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है स्पेस और ग्राउंड पे जो इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट है। आदित्य L1 मिशन सन के 3 लेयर को मेनली स्टडी करेगा, वो है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। देखो आदित्य L1 मिशन में कई सारे ऐसे पेलोड है जो तभी अच्छे से वर्क करेगा जब इसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इंटरफेरेंस से दूर रखा जाए। इसलिए इसे लो अर्थ ऑर्बिट के बजाय हेलो ऑर्बिट में लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पे प्लेस करने का निर्णय लिया गया। शुरू से ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, ये L1 पॉइंट क्या है, जानते हैं इसके बारे में। लैग्रेंज पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट, L पॉइंट्स या फिर लिबरेशन पॉइंट भी कहा जाता है। यह दो लार्ज को ऑर्बिटिंग बॉडीज के पास का ऑर्बिटल पॉइंट है। इस पॉइंट पे दोनों लार्ज बॉडीज का ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट बहुत ही कम होता है। इस वजह से अगर हम कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे रख दे तो वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर हम सन और अर्थ को ले तो इसमें 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। आप पिक्चर में देख के समझ गए होंगे कि L1 पे प्लेस करने का वजह क्या है। देखो यह सब पॉइंट अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर है। इन सब पॉइंट पे हमारे लिए सबसे आसान पॉइंट है L1 पॉइंट पे सैटेलाइट को प्लेस करना।
L1 पॉइंट अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है, जो अर्थ सन डिस्टेंस के करीब 1/100 डिस्टेंस है। L1 पॉइंट पे सैटेलाइट प्लेस करने से ग्रेविटेशनल इफेक्ट मिनिमम होगा, जिसके वजह से फ्यूल कम खर्च होगा। उसके साथ सन को लगातार देखा जा सकता है बिना किसी एक्लिप्स के। L1 पॉइंट पे आदित्य सैटेलाइट को प्लेस करने का एक और इम्पोर्टेंट कारण है कि L1 पॉइंट पे ही सोलार एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया गया था, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा द्वारा बनाया गया था। यह भी सन के स्टडी के लिए ही भेजा गया था और इसने कई सारे चीज भी ढूंढा है। आदित्य L1 में जो 7 पेलोड्स हैं उसको अब हम देख लेते हैं। पहला, VELC का काम है सन के कोरोना को समझना, जो पूरे दुनिया के लिए पहली है। सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये हाई रिजोल्यूशन इमेज क्लिक करके भेजेगा, जिससे सोलार रेडिएशन को अल्ट्रावायलेट रेंज में समझने में काम आएगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आदित्य सोलार विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसमें सोलार विंड के सारे प्रॉपर्टीज को समझा जाएगा। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, देखो कई सारे स्टडी में यह बताया गया है कि सन का जो कोरोना है वो फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, दैट इज आयन चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसको स्टडी करने में यह हेल्प करेगा। बाकी के 3 पेलोड्स फ्लक्स पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड को समझने की कोशिश करेगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।